डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। विश्व हिंदू परिषद की महिलाओं ने देवराणा होटल पहुंचकर हंगामा कर दिया। इनका आरोप है कि इस होटल में हिंदू लड़कियां मुस्लिम लड़कों के साथ आपत्तिजनक हालत में पाई गई हैं। इनको महज एक लड़का लड़की की सूचना मिली थी, लेकिन होटल में 10-12 हिंदू लड़कियां मुस्लिम लड़कों के साथ पाई गई। जब इनकी आईडी चेक की गई तो सभी बालिग पाए गए, लेकिन विश्व हिंदू परिषद की महिलाओं को इनके बालिग और नाबालिग होने से फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ और सिर्फ विरोध कर रहे हैं। हिंदू लड़कियों के मुस्लिम लड़कों के साथ होने का इनका कहना है, वो सब हमारी ही बहन बेटी हैं जो काटी जा रही हैं, काटकर फ्रिज में रखी जा रही हैं। उनके बचाव के लिए ये ज़रूरी है कि उनको रोका जाए, और इसलिए ही आज मुखबिर द्वारा मिली सूचना पर खिरवा रोड स्थित राणा होटल में पहुंचकर हंगामा किया व इन लड़कियों को इनके परिजनों को सौंपने की बात कही। सुनिए विश्व हिंदू परिषद विभाग से रंजना वर्मा इस बारे में क्या बोली। रंजना वर्मा, विश्व हिंदू परिषद विभाग संयोजक। हमारे पास सूचना आई थी कि हिंदू लड़की है और मुस्लिम लड़का है, देवराणा होटल है खिरवा रोड पर, जेवरी की तरफ जो रास्ता है उस पर। तो हम लोग वहाँ पहुँचे अपनी टीम के साथ, हम 10-15 जने थे। हम लोग पहुँचे तो मैं तो बाहर ही खड़ी हो गई, जिससे कोई बाहर ना निकले। मेरे भाई अनुज राणा जी और भी 4-5 भाई थे, उन लोगों ने जाके और ऊपर जब कमरे में देखा तो एक नहीं दो नहीं, हमें तो एक की सूचना मिली थी, 10-12 लड़कियाँ थी, 10-12 लड़के थे। तो उन्हें लाया गया, उनकी आईडी चेक करी तो आईडी के तहत तो सभी बालिग थे। तो हमारा उससे मतलब नहीं है, हमारा सबसे पहला मतलब यह है कि हिंदू लड़की थी और मुस्लिम लड़का था, एक तो ये। दूसरा ये है कि ठीक है वो बालिग थे, स्कूल की कॉलेज की ड्रेसों में थे, उनके माँ बाप को सुपुर्द की जाए वो लड़कियाँ, जिससे इस चीज़ से और भी लड़कियों को संदेश जाए और वो भी इस चीज़ से डरें। हमारा केवल ये है मकसद, जो सही है वो ये है कि माँ बाप को जब पता चलेगा उनकी बेटियाँ, एक लड़की ने फर्जी भाई बना के मेरी बात कराई, अब अगर किसी भाई को ये बताया जा रहा है कि तेरी बहन किसी लड़के के साथ होटल में मिली है, तो क्या वो भाई ये कहेगा कि जी मैं तो बाहर हूँ आप इसे छोड़ दो? क्या कोई सगा भाई ऐसे कह सकता है? आप सभी सम्मानित लोग हैं, आप बता दीजिए, है ना? मैंने कहा, मैंने क्या आप सगे भाई हो के ऐसे बोल रहे हो बेटा? कहने लगे जी मैं तो बाहर हूँ। मैंने कहा तो इसके पापा का नंबर दो, हम इनके पापा मम्मी को बुलाएंगे। किसी ने कोई मतलब फ़ोन नंबर नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। होटल मालिक बार बार ये कहता रहा, जरा बहन जी इधर आके बात कर लो, जरा बहन जी। तो मैंने कहा हमें कोई समझौता नहीं करना है, जो हम इधर आके बात कर लें, जो बात करनी है यहीं कर। बहन बेटियाँ जिस तरीके से आ रही हैं, सूटकेस में पैक होकर आ रही हैं, काटी जा रही हैं, तो सारी हमारी बहन बेटी तो ही हैं। हमारा काम क्या, हम सिर्फ ये नहीं कि हमारा काम संस्कार देने का भी है, हमारा काम अपनी बहन बेटी को बचाने का भी है, और ये प्रयास हम सब लोग करते हैं। आज हमने होटल में देखा जिस तरीके से अपने माँ बाप को भी धोखा दे रहे हैं और अपने गुरुओं को तो दे ही रहे हैं, और होटल को अय्याशों का अड्डा थोड़ा ही ना है। होटल जिस पर्पज़ से आपने होटल खोला है उसके हिसाब से आप होटल चलाइए, उसमें आप नाबालिग भी आ रहे हैं और कुछ जो आपस में एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, लड़के लड़कियां ये सब खूब अपना मस्ती के लिए वहां पर आते हैं। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। वेलेंटिस, यहां कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं, कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ।